तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। आपको तो पता है कि हम आ चुके हैं बनारस, क्योंकि मुझे दिखाना है आपको 84 ऐतिहासिक घाट। तो इस 84 ऐतिहासिक घाट के सफर में आज हमारा दूसरा दिन है। आगे का वीडियो देखने के लिए फटाफट से लाइक कर दें और हमारे चैनल सनुषा को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले इस घाट को आप दूर से देखिए, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको 2019 ईस्वी में मोदी जी ने कंप्लीट करवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नमो घाट, जो काशी का दूसरा घाट है, जिसको मोदी जी ने अत्यंत सुंदर बना दिया। नमो घाट, जिसका प्राचीन नाम खिड़किया घाट है, यह घाट सूर्य को समर्पित करता है, जिसके लिए यहाँ पर नमस्ते करते हुए 3 मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिसमें से एक महिला का है, एक बच्चे का है और एक पुरुष का है। मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। इस घाट पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यह बहुत सुंदर और शांत जगह है। इस घाट पर गोवर्धन जी का मंदिर है, तो आइए हम उस तरफ ले चलते हैं आपको। मंदिर के बाहरी दीवार पर कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है, तो आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कृष्ण जी के बचपन से लेकर अंत तक के हुए लीला का वर्णन किया गया है इस दीवार पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। बनाने वाला भी कोई जबरदस्त कलाकार ही होगा, जो इसको इतना अच्छे से बनाया है। इस घाट पे आपको CNG फ्लोटिंग भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है आजकल की सारी नावें CNG से ही चलती है, क्योंकि शहर को पॉल्यूशन फ्री जो बनाना है। इस घाट के एक तरफ बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, तो आप अपने दोस्तों और परिवारों को लेकर जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यहाँ बैठ करके खाने का मजा ही कुछ और होगा। पार्किंग की भी व्यवस्था जोरों शोर से कर दिया गया है, तो इस तरफ आप देख सकते हैं बाइक पार्किंग है, और उस तरफ आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट में कार पार्किंग है। इस घाट पे आप हेलीपैड भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर एक साथ में आ सकते हैं, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र ऐसा घाट है जहाँ पर जल थल वायु तीनों मार्ग से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इस घाट पर विसर्जन कुंड भी है, तो आइए हम उस तरफ भी आपको ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो विसर्जन कुंड है। इस घाट पे जो भी पूजा पाठ होता है उनका माला फूल इसी में विसर्जित होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिलहाल ये विसर्जन कुंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाते जाते आप माँ गंगा का संध्या दृश्य देखिए और अपने आप को आनंदमय कीजिए।